वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस साइड माही। होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ। सो इससे पहले हमने कवर की वुड की वीडियोज़ जिसमें हमने स्पीशीज़ और ओक वुड के बारे में बात करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है, हेयर इज़ द आई बटन, आई बटन पर क्लिक करिए और जल्दी से देखिए। एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट दी वाइट ओक के स्पीशीज़ के बारे में। वाइट ओक की कौन कौन सी स्पीशीज़ है, बेसिकली हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर में हमें इतना ही पता है कि एक रेड ओक होती है, एक वाइट ओक होती है, लेकिन ये नहीं जानता कि रेड ओक की काफ़ी स्पीशीज़ हैं एंड वाइट ओक की भी उतनी ही स्पीशीज़ हैं। तो बिना देरी किए उस नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द वीडियो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी स्पीशीज़ के नेम्स के बारे में, वो कौन से टॉप 10 वाइट ओक स्पीशीज़ है जो अवेलेबल है मार्केट में और जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं है, उनको भी इंटीरियर एक्सटीरियर में यूज़ करता है। तो पहले आती है आपकी वाइट ओक जिसको हम स्टेव ओक भी बोलते हैं, सेकेंड नंबर पर आती है आपकी चेस्टनट ओक जिसको माउंटेन ओक और रॉक ओक भी बोलते हैं, देन थर्ड बुर ओक जिसको हम सिकअप ओक भी बोलते हैं, फोर्थ पे स्वयं चेस्टनट ओक आती है एंड फिफ्थ आपकी आती है पोस्ट ओक जिसको हम आयरन ओक भी बोलते हैं, हमारी सिक्स्थ आती है ओवरकप ओक, सेवन्थ आपकी आती है स्वैम्प वाइट ओक, इससे पहले स्वैम्प चेस्टनट ओक बोली थी हमने एंड दिस इज़ अ स्वैम्प वाइट ओक, देन एट्थ आपकी आती है सेस्ली ओक जिसको हम आयरिश डरमास्ट एंड कॉर्निश ओक भी बोलते हैं, देन नाइन्थ आपकी आती है गलचाम ओक जिसको हम ओरिएंटल ओक भी बोलते हैं एंड लास्ट नॉट द लीस्ट टेंथ ओक इज़ अ मैक्सिकन ओक। ओके तो अभी हमने बात करी थी वाइट ओक के स्पीशीज़ के बारे में, टॉप 10 स्पीशीज़ के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वाइट ओक के टॉप 10 स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम्स के बारे में। तो पहले हमारी आती है वाइट ओक जिसको हम बोलते हैं क्वर्शियस अल्बा बोलते हैं, देन सेकेंड आती है चेस्टनट ओक जिसको हम क्वर्शियस प्रीनस बोलते हैं, देन थर्ड आपकी आती है बुर ओक जिसको हम क्वर्शियस मैक्रोकापा बोलते हैं, देन फोर्थ आपकी आती है स्वैम्प चेस्टनट ओक जिसको हम क्वर्शियस चॉक्सी बोलते हैं, फिफ्थ हमारे पास आती है पोस्ट ओक जिसको हम क्वर्शियस स्टेल्डा बोलते हैं। तो हमारी सिक्स आती है दैट इज़ ओवर कप ओक जिसको हम क्वर्शियस आयरेटा बोलते हैं, देन नेक्स्ट हमारे पास आती है स्वैम्प वाइट ओक जिसको हम क्वर्शियस बाइकॉलर बोलते हैं, देन हमारे पास आती है सेस्ली ओक, एट ओक हमारी दैट इज सेस्ली ओक जिसको हम क्वर्शियस पेट्रोला बोलते हैं, देन हमारे पास आती है गलचाम ओक जिसको हम क्वर्शियस एलिना बोलते हैं, देन लास्ट नॉट द लीस्ट मैक्सिकन ओक जिसको हम क्वर्शियस पॉलीमॉर्फा बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जितनी भी स्पीशीज और जितने भी टाइप्स के बारे में बात करी है वाइट ओक के, बेसिकली ये सारी आती कहाँ से है। तो पहले अगर हम बात करते हैं वाइट ओक, चेस्टनट ओक, बुर ओक एंड स्वैम्प वाइट ओक की, आपकी नॉर्थ अमेरिका से हमारे पास बच जाती है स्वैम्प चेस्टनट ओक, पोस्ट ओक एंड ओवरकप ओक, ये सारी की सारी, ये तीनों ही आपकी जितने भी वुड्स हैं, ये तीनों ही वुड्स आपकी साउथ अमेरिका से आती है। देन इसके बाद हमारे बच जाती है सेस्ली ओक जो ब्रिटेन से आती है, गलचाम ओक जो कोरिया, चाइना एंड जापान से आती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ अपीरियंस। अपीरियंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बेसिकली किसी भी वुड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। अपीरेंस में दो चीज़ें मेन होती हैं, फर्स्ट होता है वुड का कलर, देन सेकेंड होता है ग्रेन्स। तो पहले हम बात करते हैं वुड के कलर के बारे में, हमारी आती है वाइट ओक। तो बेसिकली वाइट ओक का जो सैपवुड एरिया होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, हार्डवुड एरिया होता है वो लाइट टू ब्राउन कलर का होता है। देन हम बात करते हैं बाकी ओक के बारे, चेस्टनट ओक, पोस्ट ओक, स्वैम्प चेस्टनट ओक एंड बुर ओक, ये चारों ही आपको लाइट टू मीडियम ब्राउन कलर की मिलेंगी। देन इसके बाद आता है आप ओवरकप ओक, आपको मिलेगी बेज एंड ब्राउनिश कलर की। ओवरकप के बाद आपकी आती है स्वैम्प वाइट ओक जो आपको लाइट ब्राउन कलर की मिलेगी, देन इसके बाद आती है स्ली ओक जो आपको पेल ब्राउनिश कलर की मिलती है विद डिफरेंट टेक्सचर, देन गलचाम ओक, गलचाम ओक आपको मिलेगी वाइटिश कलर की मिलेगी, वाइट में ग्रेइश आम ओक आपको मिलती है बेज कलर। बात करते हैं वाइट ओक, चेस्टनट ओक, गलचाम ओक एंड मैक्सिकन ओक के बारे में, तो इनके जो भी ग्रेन्स होते हैं दैट स्ट्रेट ग्रेन्स मिलेंगे आपको, स्ट्रेट ग्रेन्स मिलेंगे विद रिंग पैटर्न मिलेंगे। देन अगर हमारी वुड ओक, स्वैम्प चेस्टनट ओक एंड पोस्ट ओक, इन तीनों के जो भी ग्रेन्स होते हैं दैट इज लार्ज टू मीडियम पोर्स होते हैं उसमें एंड कोर्स ग्रेन्स होते हैं, इसके जो ग्रेन्स होते हैं थोड़े मोटे मोटे होते हैं रेदर देन अदर ओक। नेक्स्ट हमारे पास आती है ओवरकप, हमारे पास होते हैं दैट इज लार्ज टू मीडियम पोर्स मिलते हैं इसमें एंड स्ट्रेट ग्रेन्स मिलते हैं, ग्रेन्स जितने भी होते हैं वो सीधे होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है स्वैम्प वाइट ओक, स्वैम्प वाइट ओक के जो ग्रेन्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको क्लोज ग्रेन्स होते हैं, बाकी ओक के अकॉर्डिंग ये जो ग्रेन्स होते हैं बहुत पास होते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेस्ली ओक के बारे में, ओक के जो ग्रेन्स आपको मिलेंगे वो इंटरलॉक्ड ग्रेन्स मिलेंगे, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लॉक्ड होंगे, दैट्स व्हाई हम इसको इंटरलॉक्ड ग्रेन्स बोलते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जितने भी हमने स्पीशीज या टाइप्स के बारे में बात करी है उनके बारे में जानने की, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानने की, क्योंकि जब तक हमें उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पता नहीं होंगे हम उनको यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे बेसिकली और क्यों यूज़ करेंगे। तो जल्दी से बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहले आती है वाइट ओक। बेसिकली आपकी जितनी भी वाइट ओक होती है, वाइट ओक के प्रोस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहले आपकी बात करते हैं अलाउस टू स्टेन्स टू शाइन। ये जितनी भी आपकी फिनिशेज होती है उसको शाइन बहुत अच्छे से करती है, जिसकी वजह से इन्हांस लुक होता है आपका। सेकेंड आती है मॉइस्चर रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं जिसकी वजह से आप इसको लॉन्ड्री रूम्स, बाथरूम, किचन्स ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड आती है मोर ड्यूरेबल, ये बाकी ओक से ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग में आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। देन फोर्थ नॉट द लीस्ट, इसका स्मूथ टेक्स्चर और स्मूथ सरफेस, जो इसका स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ टेक्स्चर होता है, वो फिनिश इसको बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स की, तो कॉन्स में पहला आता है अगर इसको हम कोल्ड वेदर में यूज़ करते हैं, बेसिकली कोल्ड वेदर में यूज़ करते हैं विद ऑयल फिनिशेस, तो ये केमिकल रिएक्शन कर सकती है। देन सेकेंड आपका आता है हैवी वुड, ये हैवी वुड है जिसकी वजह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ये चार्जेस ज़्यादा लग सकते हैं। देन थर्ड आपका आता है ईजिली डैमेज बाय हार्ड टेक्स्चर, तो इसको हार्ड टेक्स्चर से थोड़ा दूर रखें क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्टनट ओक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। तो बेसिकली चेस्टनट के एडवांटेज क्या होते हैं, पहला आता है गो वेल विद फिनिशेस, ये फिनिशेस साथ बहुत अच्छे से जाती है, एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करती है चेस्टनट वुड को, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस बहुत इन्हांस होता है। देन सेकेंड अगर हम बात करते हैं ये लाइट वेट होती है जिसकी वजह से आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा ईजी हो जाता है। देन थर्ड आपका आता है ईजी वॉकेबिलिटी विद चेस्टनट ओक के साथ काम करना टूल्स के हो जाता है, बिकॉज ये टूटती नहीं है ना वेस्ट होती है, इसमें ज़्यादा नॉट्स भी नहीं होते, तो जिसकी वजह से आपको टाइम भी कंज्यूम, बेसिकली आज की जनरेशन में टाइम कंज्यूम का बहुत इशू है, तो ये टूल्स के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। देन फोर्थ नॉट लीस्ट आपके पास आता है रॉट रेजिस्टेंट, ये रॉट रेजिस्टेंट है तो इसमें फंगाई का कोई इशू ही नहीं होता लगने का, तो आप इसको स्टेयरकेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स के लिए, ये ऑर्डिनरी लुक देता है, आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। चेस्टनट ओक आपकी अपीरियंस में नॉर्मल ही लुक देगी, जो ऑर्डिनरी लुक होता है बेसिकली वुड का वैसा ही लुक देती है। तो हम बात करते हैं बुर ओक के बारे में, बेसिकली बुर ओक के प्रोस और एडवांटेजेस क्या होते हैं। बेसिकली पहला आता है हार्ड एंड ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड ड्यूरेबल रहती है जिसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सकती है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, दिस इज़ फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। देन सेकेंड नॉट द लीस्ट आता है गो वेल विद फिनिशेस, फिनिशेस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है जिसकी वजह से इसके अपीरियंस पर बहुत असर पड़ता है। Then, इसके कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके कॉन्स में पहला आ जाता है दैट इज मोर एक्सपेंसिव देन रेड ओक, ये से एक्सपेंसिव होती है इन मार्केट्स एंड बाकी प्राइजेस इसके मॉडरेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ वुड की, दैट इज स्वैम्प चेस्टनट ओक। अगर हम स्वैम्प चेस्टनट ओक की बात करते हैं तो पहले तो ये आता है गो वेल विद फिनिशेस, अच्छी फिनिश देती है, इसके टेक्सचर की वजह से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है फिनिशेस। इसमें बात करें तो इसमें थोड़ी टेल्टल स्मेल होती है, जिसको जो ध्यान देने वाली बात है, मोस्टली ओक में आपको टेल्टल स्मेल दैट मीन्स अल्कोहलिक स्मेल मिलेगी, इसके बारे में हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। एंड सेकेंड आता है ये वुड भी एक्सपेंसिव होती है देन रेड ओक। अपनी फिफ्थ ओक के बारे में दैट इज पोस्ट ओक। पोस्ट ओक के एडवांटेज ये होते हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है, देन सेकेंड आता है ये फायर रेजिस्टेंट होती है, तो फायर के प्लेसेस पर जैसे किचन हो गया आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रॉट रेजिस्टेंट होती है जिसकी वजह से इसमें फंगाई लगने का कोई डर नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, आप इसको ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके कॉर्नर्स हो गए जैसे कि आपका लॉन्ड्री रूम हो गया एंड आपके स्टेयर्स हो गए, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी सिक्स्थ ओक के बारे में, दैट इज़ ओवर कप ओक। तो बेसिकली ओवर कप ओक पहले तो हार्ड, हैवी एंड स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे आपका फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत होता है। देन सेकेंड गुड रॉट रेजिस्टेंट, ये बाकी की ओक से बहुत ज़्यादा रॉट रेजिस्टेंट होती है जिसकी वजह से इसमें इंसेक्ट्स बहुत कम और फंगाई माइल्ड बहुत कम लगते हैं। देन थर्ड नॉट द लीस्ट आपके पास आता है गो वेल विद फिनिशेस, ये भी अपने ऊपर फिनिशेस को बहुत अच्छे से अप्लाई होने देती है, अब्सॉर्ब होने देती है, जिसकी वजह से इसके अपीयरेंस बहुत खूबसूरत हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी सेवंथ ओक के बारे में, दैट इज स्वैम्प वाइट ओक। तो बेसिकली पहले ये हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है काफ़ी ज़्यादा,
इसमें भी यही है कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। देन सेकंड आपके पास आता है रॉट रेजिस्टेंट, काफ़ी अच्छे से रॉट को रेजिस्ट करती है ये। इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे आता हैव नॉट्स, इसमें थोड़े से नॉट्स होते हैं, नॉट्स की वजह से आपका ज़्यादा फर्नीचर निकल सकता है, वेस्टफुल मटीरियल आपका बहुत ज़्यादा निकलेगा कारपेंट्री के थ्रू। देन सेकेंड आपका आता है लेस वैल्यूएबल देन वाइट ओक, के अपोजिट में इसको बहुत लेस वैल्यू किया जाता है बिकॉज इसमें बहुत कम प्रॉपर्टीज़ होती है देन वाइट। बात करते हैं सेसली ओक के बारे में, तो बेसिकली आपकी जो सेसली ओक होती है ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है काफ़ी ज़्यादा, वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन सेकेंड सेसली ओक के बाद आती है आपकी गलचाम ओक, तो बेसिकली गलचाम ओक भी वेदर रेजिस्टेंट होती है, तो आप किसी भी वेदर में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं मैक्सिकन ओक के बारे में, तो बेसिकली मैक्सिकन ओक हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है पहले, एंड सेकेंड ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होती है जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में, जैसे कि हमने बाकी चीज़ों की बात करी, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वैसे इसके एप्लीकेशन एरियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एप्लीकेशन एरियाज़ में हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वुड कहाँ यूज़ होती है, तो हमारा पर्पज़ है कि आपको क्लियर आउट करना आपके ब्रेन में कि कौन सा मटीरियल कौन सी वुड कहाँ यूज़ होगी। तो बेसिकली वाइट ओक को यूज़ किया जाता है पहले फर्नीचर्स में, सेकेंड आपका यूज़ किया जाता है फ्लोरिंग में, किचन काउंटर्स में यूज़ किया जाता है, फोर्थ का वीनियर्स में यूज़ किया जाता है, फिफ्थ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज़ किया जाता है, देन सिक्स्थ आपका आता है प्लाईवुड्स में यूज़ किया जाता है, सेवन्थ आता है आपका पैनलिंग में यूज़ किया जाता है, जितनी भी पैनलिंग्स हो गई वॉल पैनलिंग सीलिंग पैनलिंग आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए आपके रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली बहुत अच्छा बिजनेस वहाँ पे बैठता है। ओके वेट अ सेक, मैं बहुत थक गई बोलते बोलते एंड आपको इन्फॉर्मेशन देते देते, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है, चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ, तो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड